हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके एमएसटी सीटी 2022 के सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर। देखिए कि होने भी वाला है या नहीं, या कुछ न्यूज आई है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे कंटिन्यूसली इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, इसलिए ये मेरा सिर्फ दूसरा वीडियो। अभी तक मैंने और वीडियोस नहीं डाली इस टॉपिक के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो ये है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ यार, काउंसलिंग का फॉर्म ऑन हो चुका है, आपको जल्द से जल्द फिलअप कर देना है। न्यूटन काउंसलिंग का फॉर्म है, इसमें आपको आपके कॉलेज की लिस्ट बना के मिलेगी। ठीक है, कौन बनाएगा ये लिस्ट? ये जो लास्ट 3-4 सालों से आप न्यूटन एडुकेटर्स के बच्चे जो सीयूईपी विजिट है, वालचंद पीआईसीटी में पढ़ रहे ना, इनकी भी लिस्ट इन्हीं काउंसलर्स ने बनाई थी। ठीक है, तो वही काउंसलर्स आपकी लिस्ट बनाएंगे, हर एक बच्चे का डिटेल डाटा लेंगे कि आपकी परसेंटाइल क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, आप कौन सी सिटी में आपको एडमिशन चाहिए या फिर कौन से कॉलेज में चाहिए। जो जो अगर मिल रहा होगा उस कॉलेज में, तो उस कॉलेज की प्रेफरेंस सबसे आगे होगी। ठीक है, तो एक प्रेफरेंस वाइज लिस्ट बना के देंगे, वो लिस्ट आपको सिर्फ कैप राउंड में पेस्ट करनी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। ठीक है, सारी टीम लगा दी यार इस चीज के ऊपर। ओके, आपका 50% काम होता है एग्जाम देना, फिर रिजल्ट का वेट करना। ठीक है, लेकिन 50% काम होता है आपका एडमिशन प्रोसेस को समझना, अच्छे से कॉलेज लिस्ट बनाना। एडमिशन प्रोसेस को समझना की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि ये YouTube के द्वारा मैं हर एक चीज को आपको डिटेल में समझाऊंगा, हर दिन वीडियोस आएंगे। ठीक है, जो कॉलेज लिस्ट वाला पार्ट है वो आप काउंसलर्स पे छोड़ दो, वो आपको बेहतरीन तरीके से इफिशियंट कॉलेज लिस्ट बना के देंगे। जो काउंसलर्स है उनका शायद यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल पर्सन, ये सब आप बाकी जो क्रिएटर्स है आप जाके चेक करो। ठीक है, किसके पास बैकएंड टीम है, कौन से काउंसलर्स है। ठीक है, ये सब चीजें चेक करना, तभी आप किसी से भी काउंसलिंग लेना, किसी से भी कॉलेज लिस्ट बनवाना। ठीक है, मेन मुद्दे पे आता हूँ कि एमएसटी सीटी का सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है या नहीं। तो देखो यार, रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, एक रेपुटेड वेबसाइट द्वारा पब्लिश किया गया था वो आर्टिकल, जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ और आप भी फॉलो करते होंगे। ठीक है, उस वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वो आप एक कंसिडर करोगे कि पेड प्रमोशन है। ठीक है, तो उस वेबसाइट पे लिखा गया था साफ साफ कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म होता है पीसीबी के साथ, ठीक है, 20 को अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म होता है 20th अगस्त को, तो आपका जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो अगर उन्होंने कितना भी जल्दी ट्राई कर लिया तो भी वो 5 सितंबर से पहले तो नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट 15 डेज का बफर रहता है, कोई भी एग्जाम में 15 डेज का बफर तो रहता ही रहता है। तो एटलीस्ट 5th सितंबर तक तो स्टार्ट नहीं होगा। अगर 5th सितंबर में सेकेंड अटेम्प्ट स्टार्ट हुआ, वो भी सपोज 10-15 दिन चला, ठीक है, मान ले मैं मिनिमम में मान ले रहा हूँ 10 दिन चलेगा 15 सितंबर तक। 15 सितंबर के बाद 20 से 25 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा, वो जाएगा अक्टूबर में। अक्टूबर में रिजल्ट आने के बाद थोड़े दिन में आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो आप अराउंड नवंबर में कॉलेज में जाओगे। ये चीज कुछ हद तक सही नहीं है, ठीक है, ऐसा वो पब्लिश कर रहे हैं, और जो कि सही भी है। अगर नवंबर तक कोई बच्चा कॉलेज जा रहा है तो उसका फर्स्ट सेम ऐसे ही, मतलब बहुत जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है उनमें कॉलेज स्टार्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट भी इतना लेट नहीं करती, जब कोविड का एक्सट्रीम सिचुएशन थी तो भी अक्टूबर तक स्टार्ट हो गई थी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे इतना लेट नहीं करेंगे। तो इस सारे सिनेरियो को एनालिसिस करते हुए, ठीक है, और सेकेंड प्रूफ उन्होंने बोला कि अभी तक कोई आर्टिकल भी पब्लिश नहीं किया गया, एमएसटी सीटी कुछ बोल भी नहीं रही। थर्ड चीज मैंने दो फैक्ट बता दी, तीसरा फैक्ट मैंने खुद सीटी सेल को कॉल भी लगाया, वहां पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि सर आपको ये अपडेट कहां से मिली, कि हम सेकेंड अटेम्प्ट कंडक्ट करने वाले, ये खबर आपको कहां से मिली, ना कि हमने न्यूज आर्टिकल में पब्लिश किया, ना कि हमने हमारी साइट पे कभी पब्लिश किया। तो ये चीज तो पॉइंटलेस है। ठीक है, एक पॉलिटिशियन ने आपको बोल दिया, एजुकेशन मिनिस्टर ने आपको एक स्पीच में बोल दिया, उसको आप 100% रिलाई नहीं कर सकते जब तक कि आपको एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं आता सीईटी सेल की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज यार, ये तीनों फैक्ट यही बोल रहे कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत मिनिमम। और जिनका पेपर में कुछ ग्लिचेस वगैरह आए थे, टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह आया था, हाँ उनका हो जाएगा, लेकिन उनके ऐसे 10-15 दिन नहीं चलेगा, उनका जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। ठीक है, उसका भी शेड्यूल जैसे आता है मैं डाल दूंगा चैनल पे। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी, आपको क्लैरिफिकेशन देना था इस चीज के बारे में। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और जो काउंसलिंग की बात बोली यार मैंने, उसको सीरियसली लेना। अगर आप अच्छे से कॉलेज लिस्ट नहीं भरोगे, आपके चाहे कितने भी परसेंटेज आ जाए, फिर भी आप एक बार कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपको 99% आया और आपने फर्स्ट नंबर का कॉलेज डाल दिया, कोई सपोज डाल दो भारतीय विद्यापीठ डाल दिया, जहाँ पे आपको सीयूईपी मिलने वाला है वहां पे आपने भारतीय विद्यापीठ डाला। ठीक है, चलो ये तो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए बोला, आपको महाराष्ट्र के 350 कॉलेजेस की आइडिया नहीं है, कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ लगता है, कैसे आपको फिलअप करना है, कौन सा कॉलेज कैसा है,
तो इन सब चीजों के लिए आप फॉर्म फिलअप कर देना, सिर्फ पहले 2000 बच्चों के लिए ही एंट्री है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे मैं छोटी छोटी अपडेट्स डालता रहता हूँ, ठीक है, बाय।